सरदार साहब जोरदार लिया कि नहीं सरदार बोलो गुरु महाराज की जय हो। आओ आप भी हो सामने। यस यस सामने। अब आपको स्वागत उन्हें करेला स्टेज पर। ये चीज़ अभी बैठ के उन्हें नहीं देखी। आओ लो। आओ मत सामने देखिए एक बार बैठ के। यस एक सेकंड। यस की जय। पहले पहले अभी पहले में गया हाँ तो जोरदार करो। तो ममता जी की रपसो या को भाव चे करवा की कोई बात को ना, लेकिन जो आज कन्या जी को ब्याह भरे चे उनके लिए देखो सोना की तो वह नाक में गाय पड़े बाड़ी से पहले गाय नहीं गाय लोंग लोंग और चटकिया से चांदी की चटकिया से सोना की लोंग से यह की स्व प्रेरणा से लाया चे और महाराज जी का कार्यक्रम के लिए ये देखो ये लिए ये चे ये सामग्री चे यह की तरफ से और 5100 रुपए की भेंट महाराज श्री ने भेंट करी चे माता विश्व विजय थे कर दियो जी सबद सारथी बन कर माता विश्व विजय थे कर दियो जी। आज आखा तीज पे आज शंकर गिरी जी पे आज मां सब पे थे कृपा बरसा दियो और ई कार्यक्रम को थे संचालन कर दियो ये मां थे संचाल कर दियो जी। ज्ञान समंदड़ो में वो देकर विपदा सारी हर लियो रे मां विपदा सारी हर लियो रे मां विपदा सारी हर लियो रे। पापा सगड़ा की विपदा दूर है जावे तो ई बात को आपने सबने प्रयास करना चे और उके लिए सबको बहुत बहुत स्वागत। अब दो शब्द थे भी माता बना ने कह दियो भाई प्रेम सूर्यो दोरण जठियाने की लड़ाई की वजह से परिवार में कल देश में बढ़ रही हैप्पीनेस इंडेक्स घट रही है बड़ा बुजुर्ग माए बाप बापड़ा कुड़स रहा है कहीं ना पाओ बींदने ने बेटिया ने। तो यह सबकी सीख ई मंच का माध्यम से महाराज बना बोले या भी कहबो चाह रहा है कि भाई जिया था का चेहरा पे मुस्कुराहट सीखा माई बापा कभी रहवे बड़ा बुजुर्ग कभी रहवे आया गया कभी रहवे बढ़िया सेवा सादगी भी करो और बरत चाहे कम कर लियो पर सेवा ज़्यादा करो। अब मैं तो था ने एक मजाक मजाक में सासी कह दूँ वह चौथ को बरत कर रही थी जो लोग हैं कि लाल जी कहानी सुना दियो कहानी मैं भाई मैं तो कहानी सुना उन्होंने ना तो था ना फिर चटको लागे लो कहते क्यों। अब दे अत्रो विकराल रूप है बाके बावजूद कतरी श्वावणी लाग रही चे पण अगर आपा क्रोध करने ला ना तो चौका ना लागे ला या तो क्रोध नहीं सृष्टि ने सृजन करवा ली चे जो सहन कर ले चे पण माता जी का क्रोध और माता जी भगत आपका ऐसा बला लिया शंकर गिरी जी जो शीतल मूर्ति चे जो गुस्सों के आवई कोने तो यह बहुत अद्भुत बात चे लिए एक दे दे लो गुरु जी यो आशीर्वाद माता रानी को दे दियो और या दे दियो अद्भुत स्वागत। हाँ ठीक से लागू कोई बात पर बोलो श्री महाकाली दरबार की। और डीआर साहब माँ को तो लगावंड ज्यादा जिसू चे देखो हर आदमी को कोई ना कोई स्वार्थ से भाई हरी राम क्या चपक रही चे तो चपक बागो राज बता दिया थोड़ा थोड़ा तो भाई माँ का छे कुलदेव आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा की या जन्मभूमि
तो माँ का महापुरुषा की जन्मभूमि और राला बाबा की कृपा मारे ऊपर अतरी बरस रही है का चारखंड चौखड़ा में नाम हरियो छे। बढ़िया राम जी महाराज खूब राम राजी छे, तन सों मन सों धन सों स्वास्थ्य सों परिवार सों छोरा छोरियाँ सों माई बापा सों समाज सों सब खूब मेहरबान छे। तो माँ कहते याद से भाई माँ की महापुरुष की जमीन के ऊपर आर महाराज श्री पग रख्या और पुण्यर सेवा को अशो काम शुरू करया कि अब तो मारे कोई जयपुर कोई दिल्ली में बड़ा बड़ा प्रोग्राम है चे न तो नेता अफसर मंत्रियाँ सुले रहे हैं कैसे कह रला बबाड़ा महाराज भी आवला कि मैं बिल्कुल महाराज आवला और अबार महाराज का सानिध्य में ये देश की प्रशासनिक व्यवस्था ने चला बाड़ा जो IAS अफसर बने चे वहाँ को सम्मान भी महाराज का सानिध्य के माई नहीं ही हो चे। तो महाराज को सानिध्य अपना अपने मान ऊर्जा प्रदान करे चे सेवा प्रदान करे चे। तो माँ को तो यो स्वार चे भाई महाराज का काम की साथ माँ को नाव शीत माती हरियो चे। तो आपासु जत्री तन की मन की धन की सेवा बन सके अतरी करा और मैं जत्री सेवा करा चाहना उसको कहीं 100,000 गुणा महाराज माँ के ऊपर पूर्व माता पर आशीर्वाद रखकर खूब आशीर्वाद दे रहा है। तो निवेदन से ममता जी दो शब्द आप भी सम्मान्य है। हमारे महाराज जी की कुछ कृपा दृष्टि मेरे पे भी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आप सभी के बीच में उपस्थित हो पाई। हमारे हरिराम जी भाई साहब मेरे परिवार से परिचित है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि मेरा परिवार एक भक्तिभाव वाला परिवार है। कुछ दुर्भाग्यवश हमारे मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, हरिराम जी को सब पता है, कोटा में कोई रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद में हम हमारे नाना जी के सानिध्य में ही हम बड़े हुए, हम सब भाई बहन। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे नाना जी का घर एक मंदिर जैसा रूटीन था वहाँ पे। मेरे नाना जी परम कृष्ण भक्त थे, उनकी भक्ति का कोई सानी नहीं है शायद। इतनी वो सुबह उठते ही, रात को, दिन में, और हम लोग बचपन से ही उन्होंने ऐसा हमें सिखाया, हम सब भाई बहनों को, उनसे हमारी मम्मी को और हम सबको। तो आज तक भी हम उस भक्ति भाव में लगे हुए हैं। एक मन में होता है कि 3-4 घंटे, चाहे हम छोटे थे तब से ही 3-4 घंटे मतलब अपने रूटीन में से पूरे दिन भर में से भगवान को देने। ये मैं ही नहीं, मेरे भाई वगैरह भी है और ये व्रत उपवास के लिए बोल रहे हैं। तो मैं, मेरा पूरा परिवार, चाहे मैं खुद कोई सप्ताह में 3 तो उपवास करती हूँ, 4 व्रत करती हूँ, यानी कि मैं 12 महीने व्रत करती हूँ। और माता जी की, मैं शायद माता जी मेरी आराध्य है और मुझे, मैं बता के आज भगवान के मंदिर में उपस्थित हूँ तो मैं बताऊँगी कि एक भक्ति वाला भाव है, एक भक्ति वाला मैं कोई 18 साल से रूटीन से सुंदरकांड कर रही हूँ और मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती का भी रोज़ पाठ करती हूँ। मैं कम से कम मेरे रूटीन में से 5-6 घंटे देती हूँ। मेरे पड़ोसी, मुझे 29 साल हो गए निवाई में, मेरे पड़ोसी अक्सर कहते हैं कि आप घर में अकेले कैसे रह लेते हो, क्यों करते हो। तो शायद मैं उनसे भी कभी कभी मिलती हूँ। मैं अपना रूटीन 24 घंटे में कैसे भी फॉलो करूँ भगवान का, मैं वो फॉलो करती हूँ। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगी कि कम से कम, अपन सोचते हैं, सब कहते हैं कि मन में है, हमारे भगवान मन में है, लेकिन थोड़ा अपन भगवान के पास उनके सानिध्य में बैठ के थोड़ा उनको टाइम दे के अपन जो अनुभूति प्राप्त करते हैं वो कुछ अलग ही होती है। और व्रत उपवास करने से भी सब कहते हैं कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन अपन व्रत उपवास होता है ना, तो अब हमारे मन में एक भगवान होता है कि आज हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो नहीं, कभी अपनी शारीरिक अवस्था भी नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि व्रत उपवास करना ज़रूरी होता है, लेकिन एक भगवान को ध्यान आ तो ज़रूरी होता है शायद रूटीन में। मैंने तो अपने जीवन में इसको अपनाया है और बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जी को मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी मिली कि एक सरल और सादगी वाले महाराज जी, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ निवाई में। अपने आस पास बहुत सारे आश्रम हैं, सभी पूजनीय और संतजन, सभी विप्रगण संतजन सभी पूजनीय होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन में स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनका भी मुझे 3-4 बार सामीप्य प्राप्त हुआ। मेरे नाना जी भक्त हैं ही सही, तो वो अक्सर वृंदावन से संतों को बुलाते रहते थे,
तो स्वामी राम दुग्धा जी महाराज को भी मैं, हम उस वक्त प्रवचन और सत्संग समझते नहीं थे, लेकिन उनके सानिध्य में बैठे रहते थे और वही 3-4 घंटा रूटीन हमारा बैठा, उनके पास बैठा रहने के अवसर मिले। मुझे खुशी मिलती है कि मैं एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मैंने दर्शन किए। सनातन धर्म में हम सभी जानते हैं कि उनकी पुस्तक कल्याण प्रकाशित होती है, और एक और महाराज के दर्शन करके मैं अभिभूत हुई कि शायद गायत्री परिवार का अपने टोंक जिले में कम है, हमारे उधर 12 कोटा साइड में ज़्यादा है गायत्री परिवार का। तो गायत्री परिवार का, उनको पहले फ़ोन मोबाइल होते नहीं थे, लेकिन अचानक श्रीराम शर्मा आचार्य एक अपने आप में अद्भुत है, तो वो उधर से ग्वालियर से आते वक्त कोटा जा रहे थे, तो उनको पता चला कि यहाँ किशनगंज में भी कोई हो रहते हैं, तो अचानक ही हमारे घर पे आ गए। तो उस दिन हमने उनकी अखंड ज्योति भी प्रकाशित होती है, तो वो दिन भी एक अद्भुत दिन था कि श्रीराम, उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन अब सोचते हैं कि अपन ने श्रीराम शर्मा आचार्य के दर्शन किए, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है। तो आज ऐसे ही महाराज जी के साथ में मैं हूँ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। देखो भाई, मन तो मन भी आज ही पता चले चे भाई, ममता जी मतरी गहराई चे है ना। बाकी मैं तो सब नेता ने नेता का शाप से माना था, हालांकि मैं इनके पूरे परिवार से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। इनके भाई, इनके पिताजी भी प्रधान रहे किशनगंज 12 के, इनके भाई मनोज जी भी प्रधान रहे, और ये जो नानेरा की बात करे ना, केकड़ी के मायने से पटेल रामधन जी खाकल, वहाँ की मूर्ति का अनावरण समारोह में मंच संचालन करवा गियो जो, और प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब जो जल संसाधन सिंचाई मंत्री रिया, आप ताजुब करोगे, देखो संयोग कहाँ ले जाता, पटेल इनके नाना जी राम सांवरलाल जी के खास समधी हैं, और सांवरलाल जी के जीवन दर्श पर हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जो उनके गाँव गोपालपुरा में जाकर महाराज के हाथों से उसका विमोचन हुआ, ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, और ममता जी रहवाड़ा से किशनगंज 12 का, ठीक, अजमेर ब्यावर केकड़ी नयो जिलो बनगी के एकड़ियाँ को, और ससुराल चा अपना अंडर निवाई रह, खेड़ा में ससुराल चे रब ज़्यादातर निवाई चे, आपने मेन टोंक रोड पे रेलवे की फाटक क्रॉस करता है SBI बैंक से पहली। तो ये एक संदेश बहुत गजब दिया कि भगवान नाम स्मरण सबसे बड़ी सकी माता जी का, कोई भी देवी देवताओं को आह्वान आप करा, हरि नाम संकीर्तन और भगवान नाम स्मरण स्वाध्यायी मात्री ताकत से कव संत महापुरुषासु अनायासी मिला दे छे, और क्या मिला दे छे, वह राम जी की कृपा छे, कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री बालाजी महाराज की। महाराज आशीर्वचन दे देते थे, आशीर्वाद है कि भगवान खूब आगे बढ़ाए और समाज में और देश में अपने भारत में नाम ऊंचा करे, क्योंकि माता शक्ति सबसे बड़ी है। वाँ वाँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पर भी माता शक्ति का ही आशीर्वाद, एक शक्ति तो और एक शक्ति सामने, बोले माता रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो आराज कराए गुरु थान, चरणा में राख जो मान, मैं तो आराज कराए गुरु थान, चरणा में राख जो मान, चरणा में राख जो मान, शरणा में राख जो मान, मैं तो आराज कराए गुरु थान, चरणा में राख जो मान, मैं तो अरज कराए गुरु थान, चरणा में राख जो मान। बोलो गुरु महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यानी रोजिना जो मेहमान आवला न, वहाँ को लाड कोड सु स्वागत सत्कार करला, और आया गया की सेवा और सम्मान आप अंडा कर ला ना, तो आगे मल ली। अब आर ममता जी मनाता है, क्या कहते थे, कदिया कडर अतरा क्यान डोलो छो। तो इके पास से भी बता राज बता दियो, ई में मारी माता जी को आर बींदनी को हाथ से किया क्या माता जी, या कह बेटा कडे भी जावे तो बढ़िया सेवा सादगी सुर साचा मनसु जानी छे, और माता जी को आदेश बींदने ने यो छे, भाई घर आया ना
सेवा पानी आपने तातो सीलो जैसियो भी भोजन पानी चे बढ़िया जिमानी चे। तो मैं जयपुर जैसा शहर में रुचू जंडा ने आदमी ने रात ने रोकबा में रुकवाड़ा ने भी झिझक आवे चे और रोकवाड़ो भी बानो बढ़ाओ चे। उ दौर के मायने महाराज जी गेड़ा चे नत पात्र दो चार पाँच पावना तुम्हारे फ्लेट जैसे फ्लेट से मतलब मकान अंदर फ्लेट रहे नरा एक ही बिल्डिंग में नरा सारा घर वो फ्लेट में आता रहे। और कॉलोनियाड़ा ने यो पतो चे कि कोई भी स्यापाड़ो या साधु वाड़ो या कोई धोतियाड़ो आदमी आ गयो ना तो गेट में घुसता ही गार्डी कह देला कहते हरी राम जी का जावला के कहा क्योंकि मान पतो चे भाई पावना वहाँ कहीं आवे बाकी का तो सब कोट पेंट टाई बेल्टाड़ा सीधा शर्ट घुसर मायने जुड़ दिए। और ऑफिस के मायने प्रताप प्लाजा में ऑफिस है तो कोई भी गागरा लुगड़ी वाली माता बना या कोई साधु महात्मा या कोई धोती कुर्ताड़ा आवला ना तो गार्ड घुसता है कह देना बाबू जी ऊपर ऑफिस में चल जाओ मान फिक्स पतो थे भाई ये दुकान वाला पर तो सब पेंट बुरशेटाड़ा टाई बेल्टाड़ा लेबाड़ा आवला ये सब मलबाड़ा तो ऊँडे ही जावला। तो अत्रो आशीर्वाद है कि घर जो माता जी का आशीर्वाद सु बींद ने रोटी बनार पावना खुवाओ है ना ऊका भाग की मैंने चार खंड चोखड़ा के मायने मिले छे। तो कड़े भी जल्दी सी होटल पर खावा की जरूरत न पड़े झंडे भी जावा चाहे तो कोई न कोई जमा बाड़ो मिल जाए। तो आप घर अगर जिमावला ना तो थाने भी बारे राम जी महाराज अपना व्यवस्था करो लिया प्रकृति को फिक्स नियम छे। तो ये वजह से आया गियो ना नाक ने सकड़ा वो मत करो सब्जी ने ज़्यादा काहे बोले छो ना चरखी मत कर वो करो आ रोटिया में लोड़ मत किया रो करो ज़्यादा पावन आओ जन निका पोसरी बना रखवाओ और खुद भी खाओ और जमे और जमाओ। धन्ना भगत जी का यही था जदि तो हीरा मोती निपज गया तो अशान की बात है। तो बोलो राम जी महाराज की जय। वाह करीष्ये तदंत्वेन आदु वर्ण पूजनम आदि रक्षण ब्राह्मण वर्णम अहम कार्यश्यः ओम जज्जाग्रत दूरमुदीति देवंतदो सप्तसेत देवेदी दुर्गंगमं ज्योतिकांजोदुर्गं तन्वी मनः शिवसंकल्पमस्तु वामस्ते गोरक्षमादायः। यज्ञ विमंतन होते हैं विष्णु यज्ञ का कुंसन विमंतन आज है इसलिए देवासी माधवी काम हो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सो प्रतिष्ठा पर उपाय आवाज़ नमः सर्वपाद्य नस्तुर बेरम के आज में हम सर्वाय यज्ञ निष्ठानं भावि ओम दुर्बमा ग्राभ्यामि दीपकम दर्शयामि अस्तु चालनं किंचित मात्रं योग्यते ओम न धरासी जंगर जलों से स्नादे हो समुद्र का दादुर नाम हो निर्जर सरकार दालू मानगल भयन्ना कंकराते आचमी समर्पयामि आज मैंने करवा दीजिए भगवान सभी तीर्थों का ध्यान कर लीजिए हाथ जोड़ करके और ओम गंगा सिंधु सरस्वती चोमना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेश ओम चंद्रमा सूर्या चतुर्भुज चतुर्भुजाय स्रोता त्रय सुपाय समुखा त्रिमुख जायता ओम गुरुवर्ष अखंड ज्योति सुपाय श्री श्री नारायण हाय नमः जयामि संपूर्णयामि पंचभुजार संपूज्य नैवेद्य लगा दीजिए भगवान हमारे गोत्र की वृद्धि होती रहे। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए दीर्घम सदा सर्वमंडल मातृवर्ती नारायणम सरसिज सरसन्नरुष्ट केयूरवान्मकर कुंडल भाग्यरुचि हरि ही परिणमय बहुधत संकचक्रः अनेन भूतेन श्रीति भूतेता प्रियंतां नमः पीपल जी आनंद के साथ में आप तो भगवान की पूजा किए श्रद्धा और भाव चाहिए। हरि ओम भगवान को स्नान करवा दीजिए आवाहन आसनम समर्पयामि त्रिराजमणिं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि गन्धद्वारं दुराजसं नित्यं पुष्टां करिष्यामि श्री सर्वभूतानां तां रूपय श्री अम्मा गन्धक्षतं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि हेमसा विकल्प्य अनुग्रहसिद्धिनः धूपमाग्राभ्यामि दीपं दर्शयामि धूपगुणान्ते स्तोत्रप्रचालनां भगवान को भोग माजी पर उस पर उतारो देव समाज के राज दीनाज
आज मेरे घर आवे पधारो दीवान किसी काज के जाने ना सुताजी करो भगवान मारो हे महाराज मीरा जय हे मामा जितेंद्र भगवान की हरे नभोजन नाम भजि गोता नियंतार नाम इंद्रदेव भरजार वचनम ओमा सदा सर्वविनाश कार्य कम नमामि भुवनेश्वर भावि नमः ओम सच्चै नमः ओम निधायै नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम विजयायै नमः ओम जयायै नमः ओम स्वायै नमः ओम सदायै नमः सत्य परमात्माय भो नमः ओम सत्यदियाय भो नमः सर्वांगे वृंदाक्षत पुष्पम चमारयामि अमर गुलाल से देवास अगर वेदना गंगा आरती आचरणियम आचरणियम समर्पयामि नितो बल समसार के फल वृत्तः भगवान साधु के फल के काम मन से क्या है तेरी मर्जी हमें अगर जी हे देवी जय धाम दो सुन लो चिंत लगाए मां अगत कीजे भलो भक्त को आपके घर में अगर आपकी पितृश्वर देवता है तो उनकी भी आप पूजा करोगे और पुत्र भई सुधा नमः और प्रभुता में एक सुधाय भई सुधा नमः ओम प्रभुता में एक सुधाय भई सुधा नमः ओम प्रमाता में एक सुधाय भई सुधा नमः ओम प्रद प्रमाता में एक सुधाय भई सुधा नमः ओम छठ पुत्राय नमः भीमदल पुत्राय नमः तेज प्रवृत्त पुत्राय नमः दृश्य दृश्य पुत्र देवताय नमः ज्ञान ज्ञान पुत्र देवताय नमः और मानव जीवन तो बताम आज इसी के हस्बैंड के ऊपर मंदिर आए थे रिश्तम के ऊपर हम सभी मंदिर आ रहे विश्व देवासी वादे कहानों प्रदीष्टा प्रदीष्टा सुप्रदीष्टा प्रदीप पवा है आवा है नवाज हम प्रातः हस्ते और के हम घी राज निया सर्वांगी से दुष्टान हम चल रहे आज ही दुष्टान भ्रांति वस्त्रों को वस्त्रम समर भयामे त्वं हाथ जोड़ दो दो अक्षर भगवान के अर्पण करते रहना ओम शांताकार विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभेदधारकं वंदे विष्णुवैभवं सर्वलोकैकनाथं भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः माता रामो मत पिता हाँ सर ओम ब्रह्मज्ञानं प्रदं प्रसादे शिवदासरुचो वेनाव सबदनापमा सविष्टाः सतसयोनिमतस्देवं पुरुषब्रह्मणे नमः ओम गुरु से विष्णवे नमः ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्पवर्धनं मारुवारुभ्य वंदनां मृत्युरुक्षेमां प्रदाद त्र्यंबकाये नमः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कसन सत्क सत्काम कामबल्लवासिनि अम्मा कंडमध्ये उन्ने नमः ओम गुरु से विश्वकर्मणे नमः हां नीचे रखो ना आराम से और पानी से क्लियर करो
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजाय पेट का लगाओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरे तीन बार अंडर लगा दो मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवद्वजाय मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनोहरे बोले श्री गिरधारी जी महाराज की जय हो। अपने आसन पर बैठ जाइए। देखो सारी बात आज उठो और बैठो। आपके परम सौभाग्य की अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय हुआ है तब आप भगवान को जवाई बना रहे हो, नहीं ये तो कढ़ा गढ़ा जवाई तो खाई मारने बैठ गए पसंद कर जहां को थाके तो लाराई आगी जेब में तल लेन उठा। हाँ थाका प्रसुरस में तल लो लक्ष्मी जी साक्षात थाके विराजमान है। जनक रामा ये बात बस बस बहुत है भगवान बिरा जाओ आसन गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे पूर्वक्त अनुसारेण अक्षय तृतीया लक्ष्य मम धर्म पुत्री तुलसी संग आपके जो भी मनोरथ है वो आप धारण कर लें और आप प्रार्थना करो धर्म की जोशा का लगा और भगवान ने सलाह दिया स्वाहा ओं गणपते स्वाहा ओं गणपते स्वाहा ओं अंबे अंबिके अंबारके नमः दशना सुतति सुपुत्रिका कांबेलवासिनि ओं अंबिकायै स्वाहा ओं भूर्वस्वंबिकायै स्वाहा ओं भूर्वस्वंबिकायै स्वाहा। आप आ जाओ अजी हाँ एक मिनट आराम से भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरिः मंगलाय स्तनोहरिः। आप जगह का जगह खड़ा जाओ ये बात आप आ गए ये हिसाब से फिर घूम जाओ आप। हाँ आप आओ ला अगर तीन बार आप ही रह ला अगर मंगलम भगवान शंभो मंगलम भगवद्वजाय मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनोहरिः। ये बात फिर आ जाइए मंगलम भगवान ब्रह्मा मंगलम कमलद्वजाय मंगलम सरस्वतीनाथ मंगलाय स्तनोहरिः। अब आप आगे चलला और वथा के पाछा आला चालो साहब कस्तूरी तिलक मंगलाट बडले वृक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमोक्तुभं करदले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टित विजयदा श्री गोपाल चोड़ामणि। भगवान अंड विराजमान कर दियो आप तुलसा जी अंड विराजमान कर दियो यान फिर ताया बाया कराने थोड़ा सो तोड़ी दो कर तेरे भी हो जाते हैं मंडप भी हो गया सारे काम हो जाते हैं बाकी कन्या जब तक कुमारी है जब तक वर के
बाएं अंग में नहीं आ जाती है। तो बाएं अंग में आने के लिए कन्या अपने वर से सात वचन मांगती है। पहला वचन है, तीर्थ व्रत ध्यापन यज्ञ कर्म मया सर्वे प्रिय वर कोरिया वामांगयामी तदा त्वदीय प्रविधि वाक्य में प्रथम कुमारी। पहला वचन मांगनी कि आप यदि तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे भी आज की भांति किसी व्रत का अध्यापन आदि धर्म कार्य भी आज के सम्मान मुझे अगर आप साथ लेकर के करते हो तो मैं आपके बायन में आना स्वीकार करते हूँ सीताराम। दूसरा वचन है, पुच्छो यतासी जी महाराज की, बोले तुलसी मैया की, बोले वृंदा महारानी की जय हो। हाँ साहब, अब आप आगे मत आओ भाई, फट फट बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। हाँ सर, जो भी कन्यादान भगवान का कर वो चाहो आर कर दो। Thank you.